सहारनपुर के थाना चिलकाना के थाना देहात कोतवाली पुलिस ने अलग अलग जगह से चार छात्र वाहन चोरों को चोरी की 19 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को नाजायज चाकू भी बरामद हुआ है। बता दें कि इस पूरे मामले का खुलासा आज पुलिस लाइन सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा ने किया है। वहीं खुलासे के दौरान बताया कि थाना चिलकाना पुलिस द्वारा सुल्तानपुर बाईपास तिराहा रोड नरेश बाबू के आम के बाग से दो छात्र वाहन चोर सलमान पुत्र अनवर निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना, बाबर पुत्र अनवर निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना को चोरी की 10 मोटरसाइकिल और 2 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। तो दूसरा खुलासा थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान दो शातिर वाहन चोर शाह आलम उर्फ शालम पुत्र इस्लाम निवासी चक हरेटी थाना जनकपुरी, दिलशाद पुत्र मोहम्मद शरीफ निवासी जमालपुर थाना जनकपुरी सहारनपुर को चोरी की 9 मोटरसाइकिल और 2 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। थाना पुलिस चार वाहन चोरों का गैंगों को पकड़ा है और इनके पास से कुल 19 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और ये अलग अलग जगह से अलग अलग समय पर इन्होंने चोरी किया था और चोरी का मुकदमा भी पंजीकृत है और अन्य जो मोटरसाइकिल है उनका भी हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से चोरी किया है और कहाँ मुकदमा पंजीकृत है और फिलहाल इन लोगों को गहरा है योजना है पूछताछ के बाद माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है और बिल्कुल विकृत गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और संपत्ति कार्रवाई भी की जाएगी। बाइक चोरी करने के बाद लोग क्या क्या करते हैं? बाइक चोरी करने के बाद जो कुछ कम पैसे में बेचते हैं और इधर और भी कहाँ कहाँ बेचे हैं इनको भी पता करवा रहे हैं और गहराई से इनको पुलिस रिमांड के लिए पूछताछ करेंगे। कुछ इनको क्रिमिनल इतिहास भी है इनका और इस संबंध में और गहराई से हम लोग छानबीन करेंगे और इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और उनके द्वारा पुलिस स्टेशन को नगर इनाम भी घोषित किया जाएगा। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।